आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ औरतों में ये बात मशहूर है कि कुरान शरीफ के अंदर कोई बाल रखो, फिर वो बाल उसमें से निकाल कर पानी में डिबो कर वापस कुरान शरीफ में रख दो और वो पानी पी लो तो उसे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये पता नहीं कहाँ से ये बात लोगों में मशहूर हो गई। देखो, इस तरह की चीज़ें वज़ाइफ वगैरह जो हैं वो अपने अकाबिर और मशायख से ही लेने चाहिए, वो उनका तजर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है और वो उससे बताते हैं तो उसमें वज़ाइफ वगैरह में फ़ायदा होता है। इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है, मंशा के भी ख़िलाफ़ है। ये तो ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, बल्कि ईमान की कमज़ोरी की निशानी और अलामत है। हम में और फिर दूसरों में क्या फ़र्क हुआ? कल आपके यहाँ कहा गया था कि 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बंद कर दें और उसको समझिए कि मोमबत्ती जलाएं वगैरह। किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजी, उसमें सबका सर टिंडल कर रहे हैं कि भाई पूरे गांव वाले सब बाल शेव कर रहे हैं। क्यों? तो कि बाल शेव कर देते हैं तो कोरोना हमारे पास नहीं आएगा। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो ठीक नहीं है। कुरान शरीफ की बरकत अपनी जगह पर, लेकिन ये समझना कि उसमें एक बाल रखेंगे फिर बाल निकाल कर पानी में रखेंगे फिर वो पानी पी लेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। भाई जमजम का पानी पियो तो ठीक होंगे, अल्लाह पाक जमजम में शिफा रखी है, उसको पियो तो शायद कुछ अल्लाह पाक आसान कर दे। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं, गलत है। सेकेंडली, देर वॉज समथिंग गोइंग ऑन अमॉन्ग वीमेन दैट इफ़ यू पुट सम हेयर इन कुरान फॉर सम टाइम एंड देन टेक इट आउट ऑफ द कुरान एंड देन डिप इट इन टू वाटर एंड देन पुट इट बैक इन टू द कुरान एंड ड्रिंक दैट वाटर देन योर कोरोना वायरस विल बी क्योर्ड, इज दिस करेक्ट? एंड द आंसर वॉज नो, इज नॉट करेक्ट। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स शुड ओनली बी टेकन फ्राम आवर मशाइख, आवर एल्डर्स, not from just hearsay, whatever you hear from someone, just try, start acting upon it. No, you have to do what is correct and read the wazaif which our mashayikh give us and not everything you hear here and there.